टाइम हो रहा है 5:07। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। कितने जन्मों बाद मैं सुबह सुबह उठ के एकदम रेडी हो चुका हूँ, एंड कितने जन्मों बाद क्या डेली का इसका नियम हो चुका है, बिना नहाए धोए बिना कुछ कर रेडी हो चुकी है। जीन्स पहन के चल रही हूँ, ब्रश तो करा है। ये तो चलता रहेगा, और ये तो सोई नहीं है, रात भर से जग रही थी तो ये उठ गई मेरे से पहले, तो मेरे को बोले मैंने उठा दिया आपको, मैंने उठा दिया। मैं कहूँ तो मेरे फोन में अलार्म लगा तो मैं वैसे उठ जाता। मुझसे 4 बार पूछ रहे क्या वो चल रहा है कि नहीं, इनको लगा था इसके पैर में दर्द हो रहा था, मार दूं वही और मेरे नाम पे बिल काट दो। तो यार एक चीज बता, किसी आदमी को कैसे पता चलेगा कि बहाना मार देगी, उसकी आदत होगी बहाने मारने की, तभी वो बहाना मारेगा ना। 5:15 ही बज रही है अभी, लेकिन तभी भी अंधेरा हो रखा है, और हम लोग अभी जा रहे हैं 160 किलोमीटर की ये राइड है, एंड लोकेशन का नाम है सिलीसर लेक अलवर। यहाँ से 160 किलोमीटर पड़ती है सरिस्का टाइगर रिजर्व के आगे, तो वहाँ जाने वाले हैं हम लोग, और टाइमली हम लोग एकदम उठ के तैयार हो चुके हैं, और हमारा यही टाइम था कि 5:30-5:30 बजे तक मैक्सिमम निकल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम टाइमली हम लोग फटाफट अब निकलते हैं। 15-20 मिनट के अंदर हमने पूरा सिटी एरिया क्रॉस कर दिया है, एंड आप देख सकते हो धीरे धीरे करके उजाला भी हो रहा है, और सामने यार व्यू क्या सुंदर व्यू लग रहा है वहाँ पे। और अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, एंड इसी हाईवे से सीधा दौसा का भी रास्ता जाता है, एंड दिल्ली का भी आपको वहाँ से जो नया वाला हाईवे बना है वो मिल जाएगा, लेकिन उससे ही पहले हम लोग अलवर की तरफ मुड़ जाएंगे, एक रोड कटती है। तो वैसे तो मैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सिलीसर लेक, वहाँ पे मैं करीबन 6-7 साल पहले गया था जब मैं कॉलेज टाइम पे था, और भाई सुबह सुबह राइड करने का ना अपना अलग ही मज़ा होता है ना, आपको ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेंगी, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे, ऊपर से मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है, तो भाई ये तो एकदम टॉप मोस्ट मज़ा आने वाला है। इस तरफ व्यू देखो भाई, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये जो पहाड़ है भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये ऐसा पहाड़ सिर्फ आपको बारिश के मौसम में ही देखने को मिलेंगे, नॉर्मली आपको देखने को मिलते नहीं है। ये वाली रोड जाती है भानगढ़ की तरफ, या जम्मा रामगढ़ कह सकते हो, उस तरफ से होते हुए भानगढ़ की तरफ ये वाली रोड जाती है, एंड इसका भी मैंने बहुत पहले एक बार व्लॉग बना रखा है जब मैं चैनल स्टार्ट कर रहा था तब का ही। भाई जैसे जैसे मोटो व्लॉग्स बना रहा हूँ ना मैं, मेरे को पुराने दिन याद आने लग गए, ऐसे सुबह सुबह उठ के राइड पे जाना या फिर सुबह सुबह उठ के ट्रिप पे जाना, वो सारे दिन मेरे एकदम याद आते जा रहे हैं, नॉस्टैल्जिक सा लग रहा है एकदम, क्योंकि ऐसे हम लोग जब सुबह राइड पे जाते हैं, जब हम लोग मनाली गए थे, या फिर हम लोगों की अनसक्सेसफुल लद्दाख की जो राइड थी बाइक से वो सब करी थी, जैसलमेर गए थे, ये सब हम लोग सुबह सुबह के टाइम गए थे, तो वो सारी चीज़ें याद आती जा रही है ऐसे सुबह उठ के तैयार होना जाना। वैसे तो आज मैं सोच रहा था कि राइडिंग जैकेट पहन लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्या पता मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर बारिश वारिश मिल गई रास्ते में तो राइडिंग जैकेट पूरी भीग जाएगी, फिर उसको सुखाओ, उसको सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इतनी मोटी होती है तो पूरी अंदर से भीग जाती है, प्लस बदबू आने लग जाती है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि जाने तो यार बाद में ट्रिप्स करेंगे जब अपन, तब राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट पहन के जाना ही है, अभी अपन ऐसे ही चल लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इतना कोई हाई स्पीड पर चल नहीं रहे, और रोड्स भी नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा वैसी रोड नहीं है कि कहीं से कोई आ जाएगा उड़ता हुआ तीर, तो उस चक्कर में मैंने कहा कि नॉर्मल कपड़े ही पहन के चलते हैं। ये सामने का नज़ारा देख के ना ऐसा लगता नहीं है कि आप जयपुर में, ऐसा लगता है कहीं आप पहाड़ी एरिया पे आ चुके हो, धीरे धीरे करके आगे जाके आप पहाड़ चढ़ने वाले हो। और ये वाली जो रोड है ये यहाँ से सीधा ऊपर जाती है नारगढ़ फॉरेस्ट एरिया जो है, नारगढ़ जू, अब पहले जयपुर का जू सिटी में हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पे खोल दिया है ऊपर, एंड ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर सफारी भी होती है, जंगल सफारी जो होती है नारगढ़ की वो भी होती है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, एंड इवन यहाँ पे वाइट टाइगर भी रख रखा है एक, शायद मैं जब बहुत पहले आया था तब मुझे याद था वाइट टाइगर मैंने देखा है, अब है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन पहले यहाँ पे वाइट टाइगर भी था। 160 में से 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमारा कवर हो चुका है, अब कहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15-20 मिनट का, चाय पीते हैं कुछ खाते हैं, क्योंकि सब बिना खाए पिए ऐसे ही मुँह उठा के निकल गए थे, तो भाई सुबह सुबह मॉर्निंग टी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कहीं पे देखते हैं थोड़ी सी अच्छी जगह होगी वहाँ पे बाइक लगाते हैं और चाय पीते हैं। वैसे तो प्लान था हमारा कुछ खाने पीने के लिए रुकने का, लेकिन यश भैया कह रहे हैं कि जब इतना खींच लिया तो थोड़ा बहुत और खींच लेते हैं, फिर आगे जाके एक साथ ही रुक लेंगे, एंड पूरी तरीके से सुबह हो चुकी है, और पीछे हम लोगों ने बहुत प्यारा सा सनराइज़ देखा था लेकिन अभी नहीं दिख रहा, इस पहाड़ के उस साइड देखा था, और हाईवे से अब हम लोग आ चुके हैं गाँव की रोड पर, लेकिन तब भी ये अच्छी है और बेटर रोड है, और इसी रोड पर भी हमें 25 किलोमीटर लगभग इसी रोड पर चलना है।
रोड तो बढ़िया है, लेकिन ये बीच बीच में ना छोटे छोटे ब्रेकर बना रखे हैं, सो इसकी वजह से एकदम से गाड़ी स्लो करनी पड़ जाती है, मज़ा किरकिरा हो जाता है। वरना तो भाई रोड तो बहुत अच्छी है, ये भी चाहे गाँव की रोड है लेकिन है अच्छी बहुत। और इन रोड्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भाई एकदम सुंदर सीधी रोड और बगल में दोनों तरफ खेत, हरियाली हरियाली दोनों तरफ और सीधी सीधी रोड। अगर रोड अच्छी है ना भाई तो इस बाइक पे ना 70-80 किलोमीटर तो फील ही नहीं होता, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग 70-80 किलोमीटर लगभग गाड़ी चला चुके हैं अभी तक। और एकदम स्मूथली चल रही है गाड़ी भी, रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, स्मूथ है। और भाई अभी तक के पूरे रास्ते में ना इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, आपको कहीं बताऊँ इस तरफ देखो कितने बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि सिर्फ नज़ारे देखते हुए जाऊँ मैं, रोड पे देखना ज़रूरी है वरना तो मैं सिर्फ नज़ारे देखते हुए जाऊँ, कोई गाड़ी चला ले। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और सामने से थोड़े थोड़े सूरज देवता निकल रहे हैं काले बादलों के बीच में से। सो होप सो बारिश ना मिले तब तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत भी बारिश मिली तो देखते हैं। फिर सामने का नज़ारा देखो, क्या सुंदर पहाड़ है, बीच में रोड है, दोनों तरफ खेत है, वाह इससे ज़्यादा क्या ही अच्छा हो सकता है संडे की मॉर्निंग राइड पर भाई। और इस तरफ पूरा जैसे सीनरी लग रही है देखने में भाई, कितनी सुंदर है। हाँ सही बात है। हाँ ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है अचरोल फोर्ट, पहाड़ी पे जाके फोर्ट है एंड इसका ऊपर भी जाने का रास्ता है साइड में से, वहीं कहीं से रोड जाती है। और इसके बारे में मेरे से मैंने सुना है लेकिन ये पूरा अंदर से खंडहर है, कुछ है नहीं इसमें इतना खास। और उस साइड मेरे को लग रहा है बारिश हो रही है वहाँ पे आगे की तरफ है ना, और इधर हुई है यहाँ पे शायद, लगता है यहाँ पे बारिश हुई भी है और उधर बारिश हो रही है आगे की तरफ। एंड गाड़ी में भाई अपने फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है, ब्लिप कर रहा है ये, तो जहाँ भी अपने को पेट्रोल पंप दिखा सबसे पहले पेट्रोल भराना है। और ये वाली रोड जो है यही ऊपर फोर्ट की तरफ जाती है, देखने में सुंदर तो बहुत लग रहा है भाई। ये आखिरी के 30 किलोमीटर बचे हैं और भाई नज़ारों के मज़े लेते लेते अच्छे अच्छे नज़ारे एंजॉय करते हुए कब हम लोग इतना आगे आ गए पता ही नहीं चला। वैसे तो हमारा रुकने का खाने पीने का प्लान था लेकिन भाई इतना बढ़िया व्यू आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना बाइक चलाने में कि भूख वूख सब चली गई भाई। अब हम लोग सोच रहे हैं कि सीधा वहीं जाके रुकेंगे। और आज ये देखो 160 किलोमीटर लगभग चलाई लेकिन फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। और कल भाई सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैफिक में चलाने में बॉडी पूरी टूट गई। तो यही होता है, अच्छी सी रोड मिल जाए बढ़िया और बहुत कंफर्टेबल ये बाइक है, आराम से इस पर 200 किलोमीटर तो नॉनस्टॉप चल सकता हूँ मैं। यश भी है तो बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि रास्ते में क्या है बीच बीच में ना एकदम से बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो क्या स्पोर्ट्स बाइक है ग्राउंड क्लियरेंस इतना होता नहीं है उनका, तो वही उस चक्कर में नीचे अड़ जा रही है वो। और अपने तो भाई एडवेंचर बाइक है तो अपने तो आराम से निकल जाती है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यही फ़ायदा होता है भाई एडवेंचर या टूरिंग बाइक होने का, आराम से आप गड्ढे में से गलियों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं उसको। और यहाँ से हम लोग एंटर हो चुके हैं अब अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ से अलवर डिस्ट्रिक्ट चालू जाता है एंड ये सरिस्का टाइगर रिज़र्व जो है वो चालू जाता है। देखो वेलकम टू सरिस्का टाइगर रिज़र्व। हाँ भाई जंगल में बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, ये रहा एक मोर, ऐसे ही करके यहाँ पे और भी जानवर रहते हैं जिसमें सबसे बड़ा एक जानवर रहता है शेर। मैं तो देख रहा हूँ कि गलती से वो रोड पे दिख ना जाए क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है सरिस्का की, इनकी कि रोडों पे दिख जाते हैं ऐसे घूमते फिरते। अगर भाई शेर आ गया तो करना क्या है ये भी नहीं पता है, गाड़ी तो भगा भी नहीं सकते उससे तेज़ क्योंकि वो खुद इतनी तेज़ भागेगी आप गाड़ी भी नहीं भगा पाओगे। वैसे शेर हमारे पीछे टाइम वेस्ट क्यों ही करेगा, सही बात है। ये सामने को पकड़ेगा तो ही उसका मतलब है कुछ खाने पीने को उसको मिलेगा अच्छे से, मेरे को तो खा के क्या ही मिलेगा उसको। कुछ बोला क्या सामने जैसा? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ इतनी देर तक जितनी ही अच्छी रोड थी अब जंगल एरिया में आते ही उतनी ही बुरी सी रोड हो चुकी है, जगह जगह छोटे छोटे खड्डे हैं, ब्रेकर बने हुए हैं और स्पीड लिमिट आप 40 से ऊपर ले जा भी नहीं सकते यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रेगुलर गाड़ियाँ चल रही हैं, दिख रही हैं आते जाते, तो वो अच्छी चीज़ है। वरना भाई अगर दूर दूर तक गाड़ी नहीं दिखे ना तो भाई यहाँ पे फट जाए अच्छे से आदमी की। सुबह से तो भाई मौसम अच्छा था, मौसम अभी भी ठीक है लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी है और एकदम चुभने वाली धूप निकल चुकी है ये। एंड यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सरिस्का टाइगर रिज़र्व का, यहाँ से स्टार्ट होता है सरिस्का टाइगर रिज़र्व।
इधर इस तरफ जाके सर इसका टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है, सीधा अलवर। इधर होटल्स हैं, बहुत सारे रिसॉर्ट्स बने हुए हैं, जैसे केरा यहाँ पे सर इसका पैलेस है, सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज, सब ने यहाँ पे बड़े बड़े रिसॉर्ट्स और वो बना रखे हैं। लोग आते हैं यहाँ पे एक दो दिन हॉलीडे मनाते हैं, घूमते फिरते हैं, चले जाते हैं। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है, 12 मिनट लगेगा, सीधा जाके एक लेफ्ट लेना है फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। एंड यश भी और पीछे रहेगा, वो लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। अभी मैंने एकदम से ध्यान दिया तो वो बोले कि मैं पीछे बस पेट्रोल भरा रहा हूँ, आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो एक बार आ जाए फिर साथ ही निकलते हैं, वरना इधर उधर फालतू में भटक जाएंगे। और एरिया भी थोड़ा वैसे ही एकदम, बस चलती हुई गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बाकी दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है, घर वर दुकान वकान कुछ नहीं दिखता। लेकिन भाई कुछ भी कहो, व्यू टोटल 150 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो टोटल 150 किलोमीटर है और 5 और बच रहा है लगभग। चलो भाई थोड़ी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सिलिसर लेक, यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है उसकी। अरे यार उसको देखो, उसको दिखाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सौम्या का बचपन वही है, ऐसे अपने गली के बच्चों से छीनती थी, नाली में बॉल गिर जाती थी बॉल निकाल के लेकर आती थी, यही करती थी। वैसे मैं मुद्दे की जो बात कर रहा था, यहाँ पे 100 रुपए की टिकट लगती है, 100-100 रुपए एक जन की, तो 4 लोग 400 रुपए लगेगी, जिसमें आप बाइक भी ले जा सकते हो। चले हाँ चलो भाई चलो। नीचे से हम लोग बाइक लेके ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमारी हमने बाइक पार्क कर दी है, और सामने मेरे सिलिसर लेक है जिसके बारे में बात कर रहा था कि जहाँ पे हम राइड करने जा रहे हैं। सो जस्ट सामने आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये है पूरी सिलिसर लेक। ये थोड़ी थोड़ी जैसे नैनीताल की वो है ना नैनी लेक वैसी लगती है, माउंट आबू में नक्की झील दिखेगी वैसी लगती है। एंड ये वाला एरिया उदयपुर में एक हिल है, उस हिल पे भी ऐसे हिल है, उसके बगल में भी लेक है, वही एरिया लग रहा है। तो ये 3-4 जगहों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर इस वजह से लग रही है आज ये ज़्यादा, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो ये कहीं से भी सुंदर नहीं लगता। इट गोज टू मी, इट गोज टू मी। मैंने इतनी सुंदर जगह देखा, मैंने फोटो में देखा तो कुछ कुछ फोटोज में ऐसे था गूगल पे, और कुछ कुछ में वो वैसे था, मैंने कहा ये एडिट करके लोगों ने ऐसे कर दिया होगा। एडिट तो करते ही है, नहीं बट रियल में ऐसा ही है, रियल में भी वैसा, लेकिन वेदर की वजह से। क्या वो मजा नहीं आएगा आपको सर? क्या मजा नहीं आएगा? इस लेक में बोटिंग भी होती है, जिसके चार्जेस है 2000-1500 एंड एक जेट स्की होता है, उसके चार्जेस है 800। 2000 वाले में 10 मिनट है और 1500 वाले में शायद 5 मिनट ऐसे कुछ है। एंड अलग अलग टाइप की बोटिंग है। एंड एक और चीज मैंने सुना है कि इस में झील में मगरमच्छ भी रहते हैं। हाँ मैंने एक दो वीडियोस देखी है, तो इसमें मगरमच्छ, इसलिए देख रहा हूँ ना थोड़ी सी बदबू आ रही है। और ऊपर अगर आपको दिखाऊँ ना, मैं जूम करके देखो, ये मछलियाँ मरी हुई हैं ऊपर, देखो इन्हें मारा गया मगरमच्छ के लिए। अगर नहीं रे, पता नहीं कैसे मरी है, बस मर गई हैं, बहुत सारी मरी हुई हैं, जबकि जितनी भी अभी सफ़ेद 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 सब देख रहे हो, सब मरी हुई मछलियाँ हैं भाई। थोड़ी देर पहले हम लोग नीचे थे एंड अब नीचे से हम आ चुके हैं एकदम टॉप पे। ये पता नहीं रेस्टोरेंट या कैफे एरिया बना रखा है इन्होंने लेक के साइड में, उसी का टेरेस है। यहाँ पे सब अपने अपने शूट्स करा रहे हैं, प्री वेडिंग शूट्स चल रहे हैं, और यहाँ पे फूड्स के पेट में जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने पनीर पकौड़े मंगाया, मैगी एंड कॉफ़ी। एंड जो 100 रुपये की टिकट ली थी इन्होंने, उस 100 रुपये के टिकट में पर पर्सन के ऊपर या तो कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या पानी, पानी, ये तीनों में से एक चीज़ आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। तो हमने 4 तो कॉफ़ी फ्री में ले ली, मतलब 100 रुपये वाले उसमें टिकट में ले ली, बाकी हमने ये दोनों चीज़ ऑर्डर कर दी। सुबह हम लोग करें हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट विद अ ब्यूटीफुल व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू। तो गाइस सिलिसर लेक घूम के हम लोग वापस घर जा रहे थे, तो बीच में भी हम लोग रुक गए थे कुछ खाने पीने के लिए। एंड अभी यहाँ हम रुके थे ना, ये देखो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, सीटें भीग चुकी है, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे हम लोग रुक गए। अब यहाँ से हमारा घर रह रहा है 110 किलोमीटर, सो नॉनस्टॉप अब हम लोग घर जाने वाले हैं। टाइम हो गया है रात के 8:30 बज चुकी है एंड हम लोग घर पहुंच गए हैं। वैसे तो आए हुए हमको 1 घंटे के आसपास हो चुका है। एंड रास्ते में आते वक्त इतनी गंदी बारिश मिली है भाई, पूरे रास्ते आते वक्त हमको बारिश मिली है सिर्फ, उस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। सोचा था मैंने आते वक्त रास्ते में, क्योंकि हम दूसरे रूट से आते वक्त से, जिस रूट से गए थे उससे नहीं आते हम लोग, चंदवाजी बाईपास से दिल्ली साइड से जो रोड आती है उस साइड से आए थे। तो मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगा थोड़ा बहुत गोप्रो से, लेकिन भाई इतनी तेज बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि भाई गोप्रो निकालना सही नहीं है। हाँ सेफ होता है, लेकिन भाई कुछ हद तक ही सेफ
सेफ होता है, बारिश बहुत तेज थी, फालतू में खराब हो जाता तो एक फटका पड़ जाता, इससे बढ़िया मैंने रिस्क नहीं लिया। एंड पूरा हम लोग भीग गए थे अच्छे तरीके से, फिर रास्ते में एक ब्रेक लिया था हमने, वापस आते वक्त चाय पी थी क्योंकि ठंड बहुत तेज लग रही थी, चाय पी के फिर हम लोग सीधा घर आ गए थे। बाकी भाई मजा आ गया जगह घूम के। एंड उस जगह पे मैंने आप लोगों को ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ मुश्किल से दो मिनट का मैंने उस प्लेस को रिकॉर्ड करा एंड दिखाया, क्योंकि देखो वहां पे बेसिकली लेक है एंड माउंटेन्स है और आप नेचर इंजॉय कर सकते हो, वहाँ नेचर देख सकते हो। तो उस चीजों को देखने से बढ़िया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्टिकुलरली जो लोग राजस्थान से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर एक बार जाइए और वहाँ के नेचर को फील करिए, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको फील करिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है। लेकिन अच्छे मौसम में जाइएगा, गर्मी में मत जाइएगा वरना सच में आप लोग परेशान होने वाले हो। तो इससे बढ़िया अच्छे मौसम में जाइए और वहाँ बैठ के चाय कॉफी पिए और आनंद लो नेचर का भाई। वो एक डेढ़ घंटे जो निकले हैं वहाँ पे, वाह मजा आ गया, यानी इतना रिलैक्स फील हो रहा है मेरे को वहाँ जाके आने के बाद, जिसकी कोई हद नहीं है। एंड देखते हैं, हम लोग टाइगर रिजर्व भी जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग रणथंभौर जाएंगे, अभी नहीं अक्टूबर में जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर तक रणथंभौर वाला जो टाइगर रिजर्व है वो बंद रहता है, अक्टूबर में खुलता है, तो हम लोग अक्टूबर में विजिट करने वाले हैं। बाकी भाई मज़ा आ गया। एंड आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को जगह कैसी लगी ये ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मेरी रिक्वेस्ट है भाई सबसे, जो भी राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, गुड़गांव हरियाणा आसपास के जो लोग हैं, जो पहुंच सकते हैं 150-200 किलोमीटर की रेंज में, डेफिनेटली जाओ भाई, वीकेंड पे प्लान बनाओ और जाओ, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय।